मैं गंगा जमुना के अंतर्वेदी में स्थित कौशाम्बी जनपद से चुन के आया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके इस क्षेत्र की विशेषता को देखते हुए 4 अप्रैल 1997 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इन्होंने एक अलग जनपद इलाहाबाद से काट के बनाया, जिसमें कौशाम्बी जनपद की 3 तहसील है, सिराथू है, मंजनपुर है, चायल है और प्रतापगढ़ का कुंडा तहसील है। और जब इलाहाबाद जनपद से इनको काटा गया अध्यक्ष महोदय, तो इनके हिस्से में कोई ना विश्वविद्यालय है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ की जनता पूरी तरह से कृषि पे आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में भारत सरकार की मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2014-15 का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें इन्होंने इस क्षेत्र को अति पिछड़ा घोषित किया है। यहाँ पे शैक्षिक व्यवस्था कोई नहीं है। इसलिए मैं माननीय भारत सरकार के कृषि मंत्री से इस बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय कौशाम्बी जनपद में खोलने की कृपा करें, जिससे कि वहाँ पे जो लोग कृषि पे निर्भर हैं उनको शिक्षित किया जा सके और उनको आधुनिक खेती से जोड़ा जा सके। और जो उस जनपद में पलायन है, बेरोजगारी है, क्योंकि वो जनपद पूरी तरह से उद्योग विहीन है, वहाँ कोई एक भी उद्योग नहीं है। इसलिए माननीय कृषि मंत्री से मेरा निवेदन है कि एक सरकारी कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करें, जिससे उस क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सके। धन्यवाद।